नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते फूड कमराडरी पर हम पेश कर रहे हैं हम सब की पसंदीदा स्वीट डिश शाही टुकड़ा, जो शाही टोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मलाई, शुद्ध घी, ड्राई फ्रूट, ये सब सामग्री इसे सच में शाही बना देते हैं। इन सब के बीच हमने इसको एक और स्वादिष्ट मोड़ दिया है, रबड़ी में गुलकंद मिलाकर। इतने स्वाद के लिए थोड़े ज्यादा कैलोरीज लेना बनता है, और ये हम रोज थोड़ी ना खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं शाही टुकड़ा काजू गुलकंद रबड़ी के साथ। सबसे पहले रबड़ी तैयार करते हैं, जो कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और 45 से 50 मिनट तक लग सकते हैं। धीमी आंच पर आधा लीटर दूध गर्म करना शुरू करें। दूध में मिलाएं 1 टेबलस्पून गाढ़ा मीठा दूध, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क। अच्छी तरह स्टर करें। जैसे ही मलाई जमने लगे, पैन के दीवार की तरफ सरकाएं। हर बार मलाई जमने पर ऐसा करते रहें। ध्यान रहे, दूध पैन की सतह पर जम कर जल सकता है, इसीलिए बीच बीच में स्पैटुला से पैन की सतह को हल्का सा घसते रहें। दूध उबलकर 1/3 हो जाए, तब सारी जमी हुई मलाई मिला लें। फिर इसमें मिलाएं करीब 20 काजू का पिसा हुआ पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करें। और ये हो गई तैयार आपकी गाढ़ी और मलाईदार रबड़ी। रबड़ी को स्वादिष्ट मोड़ देने के लिए इसमें मिलाएं 1 टेबलस्पून गुलकंद। चाशनी के लिए लें 1 कप शक्कर। इसमें मिलाएं 1/2 कप पानी। धीमी से मध्यम आंच पर शक्कर पूरी तरह पिघलने तक स्टर करें। फिर आंच को ऊंचा कर 4 से 5 मिनट तक उबलने दें। तब तक चाशनी तैयार हो जानी चाहिए। अब तैयार करते हैं टोस्ट। टोस्ट के लिए धीमी से मध्यम आंच पर 2 टेबलस्पून शुद्ध घी गरम करें। त्रिकोण आकार में कटे ब्रेड के स्लाइस इसमें उतारें। सतह भूरी दिखने तक इसे तलें। फिर इसे पलटकर दूसरी सतह को तलने दें। पैन में से टोस्ट को निकालकर सीधा चाशनी में डुबाएं। चाशनी में डुबाने के बाद इन्हें अलग रखें। फिर धीरे से रबड़ी को टोस्ट की पूरी सतह पर फैलाएं। और इस पर छिड़के बारीक स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स। और ये हो गया तैयार आपका शाही टुकड़ा या शाही टोस्ट। अब तक आपने ना किया हो तो फूड कमराडरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।